हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और इसी के साथ ही जो है हिंदू पक्ष से भी तगड़ा जवाब दे दिया है राम मंदिर को लेकर। तो अभी हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही अभी आपको बताएंगे कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरे देश में कब से होने वाला है। तो अभी हम आपको राम मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश भी रहेगी कि यदि आप कोई भी जानकारी राम मंदिर की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और पास ही में आके घंटी के निशान को भी अवश्य दबाइए, ताकि आपको राम मंदिर की हर एक जानकारी सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करिए, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को जरूर मिले। तो चलिए अभी हम बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। तो अयोध्या विवाद को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब इस विवाद को सभी को फैसले का इंतजार है। और ऐसे में बहुत ही बड़ी खबर आई है फैसले को लेकर, जहां पर हिंदू समुदाय की तरफ से आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे सभी खुले मन से स्वीकारने वाले हैं। ये बात कही है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर। और साथ यहां पर संघ ने कहा है कि आगामी दिनों में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने की संभावना भी है। ये बात कही है यहां पर संघ ने। और इसी के साथ ही बड़ा यहां पर कहा जाए तो जवाब दिया यहां पर राम मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से आरएसएस ने। और वहीं आरएसएस ने यह भी कहा है कि निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे और मंदिर निर्माण के पूरी तरह से बड़े फैसले को सभी खुले मन से स्वीकार कर ले। ये बात कही यहाँ पर राम मंदिर को लेकर आरएसएस ने। और इसी के साथ ही राम मंदिर को लेकर बड़ी बात कही यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर। और इसी के साथ ही आप सभी को हम बता रहे तो राम मंदिर पर आरएसएस बैठक भी कर रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में, और फैसले के बाद क्या प्लान होने वाला है उस पर चर्चा की जा रही है राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशेष जो है पूरी तरह से चर्चा करके प्लान बना रहा है राम मंदिर का, और राम मंदिर के बाद किस प्रकार स्थिति करने जा रहा है यहाँ पर स्वयंसेवक संघ को लेकर प्लान पर चर्चा कर रहा है यहाँ पर भाजपा के साथ जो है स्वयंसेवक संघ। तो आप सभी को हम बता रहे तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है बैठक चल रही है, और इस बैठक में अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के माहौल पर चर्चा की जा रही है। और इसके साथ ही आरएसएस में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं इस बैठक में, और मुख्य हिस्सा निभा रहे हैं यहाँ पर जो है मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख यहाँ पर, और कई अन्य कार्यकर्ता भी। और पूरी तरह से फैसला क्या रहेगा उस पर चर्चा की जा रही है यहाँ पर आरएसएस की तरफ से, और यहाँ पर आरएसएस कुछ बड़ा प्लान बना रहा है अयोध्या विवाद को लेकर। और वहीं राम मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष के अलावा जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी करारा जवाब देखने को मिल रहा है। और अयोध्या विवाद को लेकर कहा जा रहा है यहाँ पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कि किसी को नहीं देंगे बाबरी मस्जिद की जमीन, यह कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ पर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले पर। और उनका कहना यह है कि कोर्ट से बाहर किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाले, और उन्होंने इनकार किया है समझौते से यहाँ पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भूमि मामले को लेकर। और यह बहुत ही बड़ा बयान आया है यहाँ पर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से। तो आप सभी को हम बता रहे तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रमुख बैठक देखने को मिली, जिसकी अध्यक्षता में रही मोहम्मद रावे हुसैनी नदवी की। और इस बैठक में कहा गया कि जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट के बाहर का फैसला नहीं हो सकता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चलेगी और बाबरी मस्जिद की जमीन किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं दी जाएगी। ये बात कही यहाँ पर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और इसी के साथ उनका कहना यह भी है कि इस मामले पर केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय की भी नजरें टिकी हुई है। और विवादित भूमि को लेकर बोर्ड ने कहा है कि कोर्ट मंदिर के निर्माण के बाद मस्जिद नहीं बनी थी, ये बात कही है यहाँ पर विवादित भूमि को लेकर बोर्ड ने। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के बोर्ड ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्षकारों की वकील राजेंद्र धवन की ओर से की जा रही पैरवी पर पूरी तरह से हमें संतोषता है, ये बात भी कही है यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विश्वास व्यक्त किया है कि कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में आएगा। और बता दिया आप सभी को तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई जो चल रही थी वह 40 दिन तक चली और अब समाप्त हो चुकी है। और बताया जा रहा यह है अब कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रंजन गोगोई फैसला देकर जा सकते हैं, ऐसा अनुमान आ रहा है सूत्रों के अनुसार। और अब अयोध्या मामले का फैसला जल्द आता देख यहाँ पर जो है पूरी तरह से प्रशासन भी तैनात हो चुका है और साथ ही साथ सरकार भी सचेत हो चुकी है। और सभी आप सभी को यह बता दे दुआई भी आ चुकी है अयोध्या में और काशी और मथुरा सहित अयोध्या में डेरा डाल दिया यहाँ पर आई भी ने और पूरी तरह से खुफिया एजेंसी अलर्ट हो चुकी है यहाँ पर अयोध्या मामले को लेकर और पूरी तरह से डेरा डाल दिया यहाँ पर तीनों ही भूमि पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अयोध्या मामले का फैसला अब इसी में आ सकता है और बहुत ही जल्द फैसला आ सकता है। तो आप सभी को हम बता रहे तो अयोध्या प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी ने यूपी के सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा का नए सिरे से आकलन शुरू कर दिया है। और आईबी की टीमों ने अयोध्या वाराणसी व मथुरा में डेरा डाल दिया है। और अयोध्या के मामले में फैसला आने की संभावना के बाद पिछले दिनों कुछ आतंकी संगठनों के भी सक्रिय होने की जानकारी मिली थी और इसी कारण खुफिया एजेंसी यहाँ पर पहुंची है और पूरी तरह से जांच जारी है कि किस प्रकार से आतंकी संगठन यहाँ पर सक्रिय हुए हैं और यह आई पी कार्य कर रहा है इनको हटाने का, यहाँ से आतंकी संगठनों को और पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम कर रहा है यहाँ पर आई पी और यहाँ पर खुफिया एजेंसी। तो अभी ये माना जा रहा है कि अयोध्या विवाद पर फैसला आते देख यहाँ पर जो है पूरी तरह से हालात बिगड़ सकते हैं और हालात बिगड़ने के अंदेशों को लेकर ही आईबी पूरे राज्य में सरकार को पहले तरह से जता चुका है और आईबी अब यहाँ पर आ भी चुका है, डेरा डाल चुका है। लेकिन बताइए ये जा रहा है यूपी सरकार के अधिकारियों की तरफ से कि ये सामान्य अलर्ट है, लेकिन बात ये मानी जा रही है कि सामान्य अलर्ट नहीं है बल्कि फैसले को आता देख यहाँ पर आईबी अलर्ट हुआ है ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और आई भी पूरी तरह से प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करता रहे। और इसी कारण यहाँ पर जो है अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये तैनात किया गया आई भी की टीमें यहाँ अयोध्या भूमि पर और साथ ही साथ काशी और मथुरा में। और वहीं इसी के साथ ही आप सभी को हम बता रहे तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से एक और बड़ी बात आ रही है जहां पर हिंदू पक्षकार राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष राम विलास वेदांती ने जताई है बहुत ही बड़ी उम्मीद और आशंका और कहा यह है कि अपनी यानी कि मेरी हत्या की है आशंका, ये बात कही यहाँ पर वेदांती ने जो कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष। और उन्होंने सुरक्षा को लेकर सरकार व प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कमलेश तिवारी की जिस प्रकार हत्या हुई है उसी प्रकार मेरी हत्या हो सकती है आतंकी संगठनों के द्वारा, ये बात कही है यहाँ पर वेदांती ने और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है यहाँ पर सरकार को वेदांती ने। तो भाजपा के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष वेदांती ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव अवस्थी से लेकर एसपी डीएम को इस बारे में कई बार अवगत करा चुका हूं कि मेरे को कई लोगों के फोन आ रहे हैं और मेरे सुपुत्रों को कह रहे हैं हमें फोन करके कि जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हुई है उसी तरह से आतंकी आपकी हत्या कर सकते हैं और आतंकी आपकी हत्या करने के लिए तैयार भी बैठे हैं, ये बात कही यहाँ पर जो है वेदांती ने। और इसी के साथ ही सरकार और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर लापरवाही को लेकर और यहाँ पर कहा है कि मैं सारा का सारा जो यहाँ पे जिम्मेदारी देता हूँ वह देता हूँ यहाँ पर इस ग्रोह को लेकर जो है सरकार को, ये बात वेदांती ने कही है यहाँ पर इस बड़े आरोप को लगाते हुए।
और वहीं इसी के साथ ही आप सभी को हम बता दे तो राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने फिर से बड़ी बात कर दी है और कहा गया यह है कि ऐसी जो भी सुनाई का फैसला उसे सारी जनता स्वीकार करने वाली है। सहर्ष ये बात कह दिए राम मंदिर को लेकर यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ ने, और राम मंदिर के बड़े फैसले को लेकर फिर से योगी जी ने बड़ा बयान दिया है और अयोध्या बात को लेकर फिर से बड़ी बात कही है यहाँ पर राम मंदिर को लेकर। तो इस प्रकार से यदि संपूर्ण जानकारी राम मंदिर की, तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी राम मंदिर की अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।